मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक होने वाली है। शिवसेना UPT इस बैठक की मेजबानी करेगी। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में देखने की इच्छा जताई है। हालांकि आप सांसद यानी आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए मीडिया से बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं सत्या, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने मुंबई में होने जा रही विपक्षी पार्टियों की बैठक का पूरा स्केड्यूल जारी किया है। ये बैठक 31 अगस्त को और 1 सितंबर को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली है। बुधवार शाम 4 बजे महाविकास आघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी विपक्षी मोर्चे INDIA के साथ कोई गठजोड़ नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इन सबसे इतर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने समाचार एजेंसी NIC से बातचीत करते हुए कहा कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं। उनके इस बयान के बाद खबर चलने लगी कि केजरीवाल INDIA गठबंधन के PM का चेहरा बनना चाहते हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि आप PM पद के लिए INDIA गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं है। We have joined the India Alliance to showcase to prepare and showcase a blueprint for a better India and to free India from the evils and shackles of unemployment, price rise, inflation, agrarian crisis, etc. So I am making this absolutely clear. Aam Aadmi Party is not in the race for prime ministership. Mr. Kejriwal is not in the race for prime ministership. बात करें INDIA की इस मीटिंग की तो इस विपक्षी गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, झारखंड के CM हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ साथ NCP अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।